कहानी के माध्यम से आपका हर एक बोली आपका वक्तव्य है वो हम सब के लिए हर एक सेंटेंस में एक चैलेंज है। मुझे शायद दो या तीन बार इसको दोबारा देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पद्मश्री से सम्मानित श्री सुल्तान सिंह जी को कि आप मंच पर पधारें और अपनी सफल गाथा हमसे साझा करें। सभी को नमस्कार। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनका आभार करना चाहता हूँ। कुछ किसान गिने चुने होते हैं और उनके जो अनुभव लिए जाते हैं वो दूर तक जाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा इस बारे में कहूँगा, मैं खाली मछली का फार्मर नहीं हूँ, मैं हर तरीके की खेती करता हूँ। क्योंकि हमारी जो खेती थी, हम 5 भाई थे, हमारे पास 125 एकड़ जमीन है और 5 भाई जो है वो सारे के सारे कोई किसी बिजनेस में सेट है, कोई किसी में, लेकिन वो खेती सारी मैं ही करता हूँ। और उस खेती के ऊपर 30 एकड़ में मैंने मछली पालन किया हुआ है और 30 एकड़ में हम गन्ना लगाते हैं और बाकी जो 60 या 65 किलो रहते हैं उसमें हम ग्यूजीरी करते हैं और 1-2 किलो आप ऑर्गेनिक की बात करें, सारा मैं जो भी ऑर्गेनिक तैयार करता हूँ। 2 एकड़ जमीन में मैंने कभी आज तक पेस्टिसाइड और ये ऑर्गेनिक दूसरा खाद नहीं डाली, सिर्फ उसमें पोल्ट्री खाद और ये गोबर की खाद, क्योंकि हम पशु भी रखते हैं। शुरू से हमारा जो व्यवसाय था दूध बेचना, पशुओं को पालना, इस तरीके का हमारा रोजगार था। तो आज भी मैं 15 से 20 पशु अपने फार्म में रखता हूँ। उस पशुओं से हमारा जो मछली हम तैयार करते हैं वो भी ऑर्गेनिक करते हैं और जो हम खेती करते हैं खाने वाली वो भी ऑर्गेनिक करते हैं। मैं एक दाना पेस्टिसाइड का किसी भी चीज़ का स्प्रे नहीं करता। तो आज मैं सभी युवाओं को, सभी जो यंगस्टर हैं उनको ये बात कहूँगा, ऑर्गेनिक खेती में भी बहुत फायदा है। सबसे ज़्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि जो पानी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो सारा खराब होता जा रहा है, एक तो हमारा वो बचता है, उससे जो हमारी बीमारी आती है हार्ट की, जो हर आदमी को आज डायबिटीज सब आदमियों को है, डायबिटीज से बचना है तो मछली और ऑर्गेनिक खाना अगर हम खुद घर का खाएं ना तो मैं कहता हूँ लोग बीमार, मेरे को कभी बीमार नहीं होता हूँ, मैं कभी डॉक्टर से दवाई नहीं लेता हूँ। परमात्मा ने मेरे को बहुत अच्छा शरीर दिया है, मेरी फैमिली में अपनी मदर की बात मानता हूँ, मेरी मदर 82 साल की, कभी वो डॉक्टर के पास उसने सिंगल गोली नहीं खाई थी, वो दिन में सिर्फ 4 से 5 लीटर दूध पीती थी। अगर मैं 10 पैसे 15 पैसे रखाऊँ सिर्फ मैंने अपनी माँ की वजह से रखी थी, क्योंकि उनको दूध के बगैर रहा नहीं जाता था। 15 साल से वो फल और दूध पे रही थी, उसने कभी अनाज भी नहीं खाया और इतनी मतलब मजबूत थी गांव के अंदर। मैं थोड़ी सी अपनी मदर के बारे में बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो सिस्टम है ना वो सारे बिगड़ते जा रहे हैं सर हमारे। अब जो कहते हैं ना भाई दुगनी आय, वो दुगनी आय का भी बताऊंगा फार्मूला किस तरीके से होती है। और क्योंकि मेरी माँ का जो सिस्टम था खाने का, मैं उसको देख के हैरान था और डॉक्टर के पास कभी नहीं गई, कभी उसने दवाई नहीं ली। अगर हम दवाई लेके जाते थे कभी कभार छोटा मोटा उसको प्रॉब्लम हो जाती तो हमारे सामने इफेक्ट देती थी। तो जब उसकी डेथ हुई तो ऐसे हुई 1 सेकंड लगा बैठे बैठे चली गई थी। हम तो उसके सोच सोच के मतलब बहुत ज्यादा वो सोचा नहीं, ऐसे भी हमारे अंदर इंसान थे जो कभी बीमारी नहीं हुए। तो आज का जो विषय है कृषि अनुसंधान ने हमारे को इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी दी है। पहले हमारे जो खेतों के अंदर या किसी मछली तालाब के अंदर हम बहुत कम यील्ड लेते थे, आज उसी यील्ड को देखिए, क्योंकि ये सारा साइंटिस्टों का ही हमारा देन है, इन्होंने हमारे को रास्ते दिखाए, उस रास्ते में चलना हमने सीखा कि किस तरीके से किस रास्ते में जाना है। कुछ लोग हैं सही तरीके से चल जाते हैं, कुछ लोग हैं गलत तरीके से चल जाते हैं। जो सही तरीके से जाते हैं वो आज बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कम से कम 10,000 लोग तो ऐसे मेरे हैं जो जिन्होंने सही तरीके से काम पकड़ा था और वो आज करोड़पति हो चुके हैं। मैं बल्कि इतना करोड़पति नहीं हूँ, जो मैंने सिखाए बच्चे थे वो आज मेरे सुपर बहुत आगे जा चुके हैं सिर्फ मछली के अंदर ही। अब जो गांव के अगर हम बात करें, जो हमारे गांव के कम्युनिटी पॉन्ड तालाब बने हुए हैं जो जिनमें हम पैसों का और ये कपड़े धोने का नालियों द्वारा जो सीवरेज आता है ये सारा मैन्यूर जितना भी हमारा ये सारा 100% ऑर्गेनिक होता है। मछली एक ऐसी चीज है अगर हम उसमें किसी भी तरह का कोई जहर से संबंधित कोई चीज यूज करेंगे तो मछली को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तुरंत मर जाती है वो। हमारे को इतना पता होता है भाई ये तालाब जो गांव के तालाब है ना इतने शुद्ध है कि बहुत ज्यादा
क्योंकि वो मछली एक इंडिकेशन दे देती है, पीएच का भी, उसका ग्रेविटी का भी, हर चीज का एक इंडिकेशन दे देती है वो। हमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाके मापने की जरूरत नहीं पड़ती, मछली हमारे को खुद बता देती है अब इस पानी में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे ज्यादा जब मैंने शुरू किया तो उस टाइम 300-400 किलो पर हेक्टेयर निकालते थे, अगर आज मैं बात करूं हेक्टेयर की तो 60 टन मछली पैदा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 300-400 किलो कहाँ था, आज 60 टन एक ही हेक्टेयर में कहाँ है। बहुत ज्यादा हमारे को जो ये टेक्नोलॉजी मिली है सिर्फ इन इंस्टीट्यूटों की वजह से मिली, साइंटिस्टों की वजह से मिली, अगर हम उसी तरीके से काम करते हम ज्यादा ज्यादा 1,000 किलो में चले जाते। तो कहने का मेरा मतलब यह, जितने भी हमारे जो भी फार्मर है, अगर यही जो हम त्यागी जी ने बात कही है, घर घर अगर टेक्नोलॉजी स्मार्ट खेती कैसे करनी है, केवीके के द्वारा हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर एक सभा हो, और उस सभा के अंदर जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर, जो भी हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन तक अगर ये चीजें पहुंचाए तो हर आदमी की दुगनी आय अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। जो आज किसान यहाँ पर बैठे हैं एक इसका एमएसपी का लेके नाम, तो मैं कहता हूँ एमएसपी की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरी खेती करें तो बहुत ज्यादा। गेहूं चीनी तो हमारे अंदर इतना हमने पैदा कर दिया कि उसको बाहर लेने वाला ही नहीं है। अगर हम सब्जियों का जो अब ये पोलियो हाउस है, प्रोटेक्टेड खेती जितनी भी हम कर रहे हैं, अब 1 एकड़ से ही हम 10-10 लाख रुपए की खेती कर रहे हैं, और एक पोलियो हाउस से हम 1 करोड़ की खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा टेक्नोलॉजी का फर्क है सर। तो अगर ये केवीके के द्वारा, इसके माध्यम के द्वारा हर गांव तक, हर कस्बे तक ये चीजें पहुंचाई जाए, तो मैं कहता हूँ ये किसानों को धरने धरने की जरूरत नहीं होगी। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार खत्म कर दूं, धन्यवाद।